महेश कुमार, हमारे YouTube चैनल श्री साई कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है अनुपात और समानुपात, जिसके बहुत सारे वीडियो हैं, मैं पहले वाले बना चुका हूँ। तो आप अगर इनका बेसिक जो है, इन क्वेश्चंस जो अभी पढ़ा रहा हूँ मैं, धीरे धीरे जो है क्वेश्चन का लेवल धीरे 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 अपन बढ़ा रहे हैं। और मैंने हर एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, हर एक टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन पढ़ाए हैं दोस्तों। तो आज के इस क्वेश्चन में भी अपन अनुपात और समानुपात के कुछ एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो SSC बैंक PO वगैरह में पूछे गए, सारे क्वेश्चन पूछे गए, मैं उन्हीं का संग्रह जो आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। तो आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल श्री साई कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आइए देखते अपन, पहला क्वेश्चन है अपने पास, पहला क्वेश्चन है 3700 रुपये को, 3700 रुपयों को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है, किस प्रकार से बांटा गया, इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बटा बी का भाग और बराबर करके दिया हुआ है बी का भाग बटा सी का भाग। आगे दिया हुआ है 3:4 है, तब तब ए का भाग कितना होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है, ए का भाग कितना है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के ए का भाग कितना है, तो अपन क्या करेंगे, इसको ए का भाग कितना है, इसके लिए देखेंगे अपना क्वेश्चन है ए बी, तो ए बटा बी दिया हुआ है, तो ए बटा बी का मान कितना दिया हुआ है, 3:4। ए बटा बी का मान जो दिया हुआ है वो कितना दिया गया है, आपको चार चीजें दी हुई है। और इसमें ये वाला आपका SSC 2001 में पूछा भी गया है ये वाला क्वेश्चन आपका। ठीक है दोस्तों, तो यह आपको दिया हुआ है ए का भाग बटा बी का भाग, तो का भाग इज डजेंट मैटर, मतलब आपको ए का भाग चाहिए, तो ए बटा बी दिया हुआ है, अर्थात ए अनुपात बी दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3:4। ठीक है, 3:4 अर्थात 3:4। दूसरी चीज बी सी, तो बी बटा सी अर्थात बी अनुपात सी दिया हुआ है, और इसका वैल्यू भी कितना दिया हुआ है, 3:4, और आपको ए का भाग चाहिए, तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये निकालने का शॉर्ट ट्रिक्स पहले वाले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं दोस्तों, वहां प्लेलिस्ट में जाके देख ले तो आपको सारे वीडियो जो अवेलेबल मिल हो जाएंगे। तो पहले चाहिए ए अनुपात बी, ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी है, 3:4, तो 3:4 रख दिया। फिर आपके पास बी अनुपात सी, तो यहाँ बी अनुपात सी, बी की वैल्यू डबल है तो मैं क्या करूंगा, डबल हो इस प्रकार से, तो आप 3:4 रखें। मैंने आपको एक तरीका बताया था चिन्ह से, यहां से यहां पहुंचेंगे आप, गुणा करेंगे 3×3=9 अनुपात, यहाँ से यहाँ 3×4=12 और यहाँ से यहाँ यह आपका 4×16। अगर किसी कॉमन संख्या से अगर कैंसिल आउट हो जाता है तो कैंसिल कर दे, नहीं तो छोड़ दे ऐसा ऐसा, तो आपके पास कितना आया है, ए का अनुपात जो आया वो 9 आया है, और ए का अनुपात चाहिए। अब इन तीनों का योग जो है, इन एबीसी का योग जो है, एबीसी का योग कितना दिया हुआ है आपको, 3700, तो यहाँ जो होगा वो कितना होगा आपका, 3700। अब मैंने बोला कि जब ये योग, तो इसको योग के रूप में लिखते हैं, तो 9x+12x+16x करके लिखेंगे अपन, इज इक्वल आपका क्या चल रहा है, 3700। अगर मैं इसको सोल्यूशन करता हूं तो 9 और 12 बन जाता है मेरा 21 और 16 37x, 37x इज इक्वल 3700, 37 से 37 कैंसिल हो सकता है, तो x की वैल्यू जो बनी कितनी बनी आपका, 100 बना है, x की वैल्यू 100 बना है, तो a का भाग कितना होगा दोस्तों, a का भाग पूछा है कि a का भाग कितना होगा, तो a का अनुपात कितना आया, a का अनुपात आया 9, तो मैंने बताया कि जिसका भाग पूछा जाए उसके अनुपात का मल्टीप्लाई कर दें, तो 9 का मल्टीप्लाई 100 में करने पर आपका बन जाएगा 900 रुपये दोस्तों, तो a का भाग जो होगा वो होगा आपका 900 रुपये। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है SSC 2001 में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, अगले क्वेश्चन को यहां ले लेता हूं मैं, मेरे को बोला गया यदि यदि अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि P अनुपात Q इज इक्वल R अनुपात S इज इक्वल T अनुपात U है, ध्यान से देखना,
पी अनुपात क्यू इज इक्वल आर अनुपात एस इज इक्वल टी अनुपात यू इज इक्वल दिया हुआ है आपको 2:3, ठीक है ये दिया हुआ है। तो आपको ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है एम पी प्लस एन एस प्लस वी यू आपको अनुपात करके दिया हुआ है, सॉरी एम पी यहाँ आपका एन एस ना होते हुए यहाँ आपका एन आर है, ठीक है, और एम पी एन आर प्लस वी या यू ना होते हुए यहाँ आपका टी है, ठीक है। अनुपात ज्ञात करना आपको, अनुपात एम पी प्लस एन एस प्लस वी यू का, ठीक है दोस्तों, ये अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो आपको चाहिए, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये वाली चीज आपको निकालना है। तो आपको P बटा Q का मान जो दिया हुआ है दोस्तों कितना दिया हुआ है 2:3, ठीक है, क्या दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है, ठीक है 2:3 आपको दिया हुआ है, और ये P नहीं होगा दोस्तों, Q होगा लगभग आई थिंक, ठीक है 2:3 दिया हुआ है। दूसरी चीज R/S, तो R/S की वैल्यू भी क्या दे रखी, ये भी 2:3 के बराबर है। दूसरी चीज आपका दिया हुआ है T अनुपात U, तो अनुपात का मतलब बटे, T बटा U का मान कितना दिया हुआ है 2:3। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या किया गया है, यहाँ किया गया है आपको चाहिए MP, तो पहले वाले में आप M का मल्टीप्लाई कर लें, दूसरा N चाहिए तो दूसरे वाले में N मल्टीप्लाई कर लें, तीसरे में V चाहिए तो आप यहाँ क्या मल्टीप्लाई कर लें, V मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है दोस्तों। तो अपन क्या कर देते हैं, M का यहाँ भाग दे दिया तो यहाँ भी भाग दे दें, तो कैंसल आउट होने पर यही बचेगा, दूसरा एन चाहिए तो एन से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी एन से, सॉरी अगला क्या आपको वी चाहिए तो वी से डिवाइड और वी से मल्टीप्लाई कर दें। अगर यहाँ इस प्रकार से सिचुएशन को लेते हैं और यहाँ से मैं को पहले चाहिए एम पी, तो एम पी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, एम पी बराबर इसको बना देता हूँ मैं 2:3 मल्टीप्लाई एम क्यू, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ निकालेंगे तो एन आर इज इक्वल बन जाएगा 2:3 मल्टीप्लाई एन एस, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार आगे इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये बन जाएगा वी टी इज इक्वल 2:3 वी यू। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2005 में, ठीक है दोस्तों, एसएससी 2005 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको क्या चाहिए, देखिए एमपी प्लस एनआर प्लस वीटी चाहिए, तो मैं इन सबको क्या कर देता हूं, प्लस चाहिए तो मैंने एमपी प्लस एनआर एनआर और वीटी की वैल्यू निकाल ली, तो इन सबको क्या कर देता हूं मैं, जोड़ देता हूं, एलएचएस एलएचएस को एक तरफ जोड़ देता हूं, आरएचएस आरएचएस को आरएचएस को एक तरफ जोड़ देता हूं, तो एमपी प्लस पहले एलएचएस जोड़ता हूं, तो पहले यहाँ का एम पी, इधर वाले का एन आर, इधर वाले का वी टी, ये आपका पहला वी टी निकल गया, ठीक है, इज इक्वल अब आरएचएस आरएचएस को जोड़ देते हैं तो 2:3 एम क्यू प्लस 2:3 एन एस प्लस 2:3 वी यू, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 2:3 सभी में, तो मैं 2:3 को बाहर निकाल लेता हूं, तो ये वाला बनेगा आपका एम पी प्लस एन आर प्लस वी टी, यहां से 2:3 को बाहर निकाला तो बच्चा आपका एम क्यू प्लस एन एस प्लस वी यू। आपको चाहिए क्या, एम पी प्लस एन आर प्लस वी टी अनुपात, अनुपात मतलब बटे में, तो यहां से इस चीज को मैं बटे में भेज देता हूं तो बन जाएगा एम पी प्लस एन आर प्लस वी टी अपॉन एम क्यू प्लस एन एस प्लस वी यू, ये यहाँ से हटाया मैंने और यहाँ पहुँचा दिया। अब इनको अगर अनुपात के रूप में लिखूँ, और यहाँ बचा हुआ कि आपका 2:3, अगर इनको अनुपात ज्ञात करना आपको, अनुपात के रूप में इनको आराम से लिख सकते हैं, तो इनका अनुपात भी जो होगा वो कितना होगा आपका 2:3, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन जो है एसएससी 2005 में पूछा गया है, तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, यहाँ देखना है अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है तो आप भी मल्टीप्लाई कर दें, अगर यहाँ आपका डिवाइड किया हो तो आप भी डिवाइड कर दें, अगर यहाँ आपको एडिशन करना है तो आप भी एडिशन कर दें, बिल्कुल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये आपके हिंट्स इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने दोस्तों, अपना एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात, अंश तथा हर का अनुपात दिया हुआ है आपको 3:4,
चार है, अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है, अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न, अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न की या मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है, 2/3 हो जाती है। मूल भिन्न का अंश कितना होगा? तो मूल भिन्न का अंश कितना होगा? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी एक भिन्न है जिसका अंश का और हर का अनुपात ये दिया हुआ है, और भिन्न क्या होती है बटे में, तो अंश बटा हर दिया हुआ है, अंश बटा हर, अंश क्या दे रखा 3 और हर क्या दे रखा 4, बट जब इनको अपन चेंज कर देते तो ये क्या बन जाएगा 3x 4x। ठीक है, क्लियर है। अब अंश में से 9 घटाने पर, ये अंश ऊपर वाला होता, अंश में से 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का, तो मूल भिन्न का अनुपात क्या दिया हुआ 3:4, तो मैं इसको लिख सकता हूं मूल भिन्न का, तो नई भिन्न जो है वो मूल भिन्न का, मूल भिन्न यही होगी 3x 4x, 3x/4x, मूल नई भिन्न जो होगी वो मूल भिन्न का, मूल भिन्न का, मूल भिन्न का क्या हो जाता है आपका 2/3 हो जाता है, क्या हो जाता है 2/3 हो जाता है। तो मूल भिन्न का अंश कितना होगा, तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दुना 4, एक्स से एक्स कैंसिल, यहां क्या बचा हुआ है आपका 3x-9/4x इज इक्वल, यहां ऊपर बचा हुआ है 1 और बटे बचा हुआ है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बन जाएगा 2 3 6x, 2 का मल्टीप्लाई यहां करने पर 6 और 9 में करने पर 18, 4 का x में करने पर, सॉरी 1 में करने पर 4x, x x वाले एक तरफ अपन ट्रांसफर कर लेते तो अपने पास बन जाएगा 6x, और यहां से ट्रांसफर किया आपने तो ये बनेगा आपका माइनस का 4x। ठीक है दोस्तों, इसको ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 18, यहां से आपने सॉल्यूशन किया तो कितना बचा आपका 2x = 18, 2 से कैंसिल आउट किया तो 9, तो x का मान कितना आया 9। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्रश्न क्या बोला गया कि अंश तथा हर का अनुपात 3:4, तो 3, अंश का अनुपात कितना दिया हुआ है 3 और हर का अनुपात दिया हुआ है 4, तो अंश का अनुपात 3 है, तो अपन इसमें क्या कर लेते हैं 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 3 27, अंश जो होगी दोस्तों वो क्या होगी आपकी 27 होगी। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिना घबराए जो है वो आपको सोल्व करना है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है एसएससी 2001 में, ये वाला क्वेश्चन भी आपका एसएससी 2001 में पूछा गया है दोस्तों, तो मैं आपको सारे वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं दोस्तों। तो अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल श्री साई कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।